hello everyone good morning to all of you this is me akash kumar from english talk academy welcome to the channel guys first of all i would like to introduce this topic this topic is going to be very very important for this class just because of it has some advanced use and as well as common okay so let's talk about it guys today we are going to learn about uses of will and shall ha huh? कहीं ना कहीं विल और शैल का यूज हम सभी जानते हैं या दैट इज़ वेरी मच फाइन मैं इस पर पहले भी एक टॉपिक बना चुका हूँ मिस दैट एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपका टेंस के प्ले में आपको मिल जाएगा गो टू द प्ले लिस्ट एंड चेक इट आउट वहाँ पे आपके जो शैल के जनरल यूजेज हैं वहाँ पे मैंने बताया हुआ है और उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि शैल एंड विल के जो एडवांस यूजेज होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसे मैं बाद में समझाऊंगा तो ये घड़ी वही है जिसमें हमें शैल और विल के एडवांस यूजेस के बारे में समझना है सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट इट सबसे पहले तो शैल एंड विल एक प्रकार का आ, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया विल वर्सेस शैल शैल और विल एक प्रकार का मॉडल वर्ब होता है ओके इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट अगर मैं जनरली बात करूं तो सभी लोगों को पता है बच्चा बच्चा ये बात जान रहा है कि जब हम छोटे थे तभी से हमें स्कूल में ये रटाया जा रहा है कि आई और वी के साथ शैल होता है जब फ्यूचर की बात की जा रही होती है जो काम फ्यूचर में होने वाला है या फिर होगा उसके बारे में आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है और वहीं पे आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं या फिर नाउन है सभी के साथ विल का यूज होता है ये हमें स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है जी हाँ ये कहना भी बिल्कुल सही है कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है फ्यूचर में और ही शी इट नेम सिंगुलर एंड प्लूरल यू एंड दे इनके साथ का यूज होता है चलिए इससे थोड़ा ऊपर जा करके इससे थोड़ा एडवांस जा करके इस चीजों को समझते हैं क्या होने वाला है ये गाइस देखना यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी होते हैं आई एंड वी के साथ विल का यूज कब होगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हाँ सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस सॉरी यहां गया है दोनों में पर्सन प्रोनाउंस एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यू ही इट नेम हीट्रा के साथ शैल का यूज होता है हाँ बिल्कुल सही आपने सुना जब हम इसे एडवांस में समझने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें वॉश वर्षा हो जाते जहां पे विल यूज हो रहा था अब वहां पे शैल यूज होगा और जहां पे शैल यूज हो रहा था अब वहां पे विल यूज होगा क्यों होगा और कैसे होगा गाइस पहले इस चीज को समझने वाली बात इसमें यह है कि सर क्या वो जो हम सीखे हुए थे वो गलत है क्या नहीं पहली बात तो वो गलत नहीं है दूसरी बात ये कि हम इसको क्यों सीख रहे हैं वट इज द रीजन बिहाइंड क्या रीजन हो सकती है इसकी इसकी रीजन ये है कि जब आप फ्यूचर में कंपल्सन मजबूरी कह लें या महत्वपूर्ण कह लें ठीक है डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय कह लें प्रॉमिस एक प्रकार का प्रतिज्ञा या फिर वादा कमांड ऑर्डर जिसे आर्मी वगैरह में कमांड दिया जाता है थ्रेटन धमकी किसी को धमकी देना हाँ विलिंगनेस विलिंगनेस को इच्छा कह लें और विल पावर होता है इच्छा शक्ति एक्सेट्रा जैसी चीजों को अभिव्यक्त करने के लिए यानी एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता, होता, होता बेहतर तरीके से समझ में आएगी हमें फ्यूचर में यूज होगा ये पहली बात जब जनरल कमांड की जनरल और कॉमन चीजों की बात होती है जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा मैं क्रिकेट खेलूंगा मैं फुटबॉल खेलूंगा और मैं दसवीं में जाकर के अच्छे से पढ़ाई करूंगा ऐसा करके आप कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसमें क्या होता है जब आपने मैं यानी हम या फिर सॉरी मैं और हम की बात की है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे शैल का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब कॉमन यूज हो तो ओके okay? सेकंड में विल का यूज आप थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ और सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस के साथ करते हैं कब जब आपके साथ सब्जेक्ट के रूप में ही शी इट नेम, दे, यू, ओके और एक्सेट्रा सिंगुलर एंड प्यल नाउन्स के साथ आप किसका विल का यूज कर लेते हैं लेकिन जब डिटर्मिनेशन और कमांड जैसी चीजें आपके सामने आता है ठीक है यानी कि आज्ञा प्रतिज्ञा वादा और दृढ़ निश्चय जैसी चीजें आपके सामने आती है तो वहां पे आप क्या करते हैं जहां पर शैल यूज हो रहा था जहां पर शैल यूज हो रहा था वहां पर विल का यूज करेंगे यानी कि आई वी के साथ विल का यूज होने लग जाएगा और जहां पे विल का यूज हो रहा था वहां पे ही शी, यू का यूज होने लग जाता है ये रहा आपका अभी फर्स्ट uh, स्लाइड इसमें सारा इंट्रोडक्शन था जो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड दे दिया हुआ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इसके सेंटेंसेस की तरफ चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है तब तक के लिए आप इसे लिख लें सो गाइस नाउ ये स्लाइड को हम देखते हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विल एंड शैल तुम्हारी फ्रेंड ओ, क्लास में वेट कर रही है जाकर के मिल क्यों नहीं लेते ओके मैं चला जाऊंगा अभी मैं किसी काम में बिजी हूं जब मुझे समय मिलेगा आई विल टॉक टू हर और आई विल मीट हर ना ना आई शैल टॉक टू हर आई शैल मीट हर ऐसा करके आप बोलेंगे जब जनरली बात की जा रही है ठीक है समय मिलेगा तो जाकर के मिल लूंगा भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं थोड़ी देर अभी बिजी हूं समय मिलने के बाद जाकर के मिलूंगा लेकिन प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं द प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू इन द ऑफिस ओके आई विल मीट टू द प्रिंसिपल और आई विल गो टू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल ये कहेंगे आप अब वहां पे विल का यूज क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं अनिवार्य है ये काम एक कंपल्शन को बताता है कंपल्सन मैंने बताया था ना अनिवार्य उसका हिंदी होता है हाँ नेक्स्ट वन में देखते हैं वही सेंटेंस फिर से आ रहा है आई विल नॉट गिव अप टिल आई गेट सक्सीड मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं सक्सेस नहीं होता जब तक मैं सक्सेस नहीं होता मैं हार नहीं मानूंगा ये मेरा खुद में एक निश्चय है एक दृढ़ संकल्प है मेरा खुद से कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं सक्सेस नहीं होता इज दैट क्लियर नेक्स्ट वन वी विल स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट हमने अपने आप से प्रॉमिस किया है मी एंड यू एंड ऑल ऑफ अस हमने खुद में एक प्रॉमिस किया हुआ है कि आई विल सॉरी वी विल स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट हर कीमत पे किसी भी कीमत पे हम इंग्लिश बोल करके ही रहेंगे हम इंग्लिश बोलना सीख ही लेंगे बाय हुक और बाय बाय हुक और बाय बा मतलब होता है जैसे तैसे या कुछ भी करके ठीक है शी शैल बी पनिस्ड इफ शी दिस अगेन दोबारा गलती किए तुम्हें सजा मिल सकती है अगर उसने इस गलती को दोबारा किया तो उसे क्या सजा दी जाएगी है ना इसका हिंदी यही होगा कि अगर उसने इस गलती को दोबारा किया तो उसे सजा मिलेगा ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का धमकी है आप किसी को थ्रेटेंड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं थ्रेटेंड है एक प्रकार का धमकी नेक्स्ट वन शी शैल बी ट्रांसफर्ड टू शिमला सॉरी यू शैल बी ट्रांसफर्ड टू शिमला कंपनी है ना जो आपका ब्रांच शिमला में वहां पे एक इंप्लॉय की जरूरत है आपको वहां पे जाना पड़ेगा यू हैव टू गो दे ओके सर आई विल गो मैं जाऊंगा आई विल गो अब यहाँ पर डेफिनेट हो चुका है यह चीज यू शैल बी ट्रांसफर टू शिमला कहीं ना कहीं एक ऑर्डर है एक बॉस अपने इंप्लॉई के इम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है यू शैल बी ट्रांसफर टू शिमला आपको शिमला ट्रांसफर किया जाएगा मीन्स दैट ये ऑर्डर है एंड देर इज नो अदर ऑप्शन नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स शैल पे देयर फी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है या फिर कमांड है ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है आप अपना फी इस महीने के अंत तक जमा कर देंगे कुछ टीचर्स ऐसे धमकी देकर के भी अगर नहीं जमा किए तो तुम यहां से निकाल दिए जाओगे थ्रेटन लेकिन इसी सेंटेंस को एक कमांड हाँ इसके सिवा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यू हैव ओनली वन चॉइस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मतलब कि ये रूल है महीने के अंत में सभी बच्चे फी जमा करते हैं तो आप भी इस इस महीने के अंत में फी को जमा ही करेंगे देयर इज नो अदर ऑप्शन गाइस ये जो डबल स्टार के साथ मैंने लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा इंटरोगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस विल से स्टार्ट होता है जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहता हूं कि जो लिखा हुआ है उसे ध्यान ना दे करके ये क्यों लिखा हुआ है उस पर ध्यान दिया जाए तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी और ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल से सेंटेंस विल से क्वेश्चन क्यों नहीं स्टार्ट होता यानी कि विल से आई एम सॉरी फॉर है सेंटेंस विल से ही क्यों स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका विल से ही क्यों स्टार्ट स्टार्ट होता है वट इज द रीजन बिहाइंड इस चीज को समझना या फिर यूं कह ले कि जनरल तरीके से ही क्यों स्टार्ट होता है जनरली अगर आई वी है तो शेल से स्टार्ट होगा और उसके बाद जितने भी प्रोनाउंस हैं उसके साथ विल का यूज करेंगे क्यों कहेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव आपका क्वेश्चन को शो करता है प्रश्न बताता है प्रश्न पूछने को एक कह लें कि प्रश्नवाचक चिन्ह साथ में लेकर के आता है ये कहता है कि मैं एक क्वेश्चन हूं और मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूं अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मुंबई जाएंगे तो आप हाँ भी बोल सकते हैं ना भी बोल सकते हैं अगर मैंने आपसे कहा कि क्या आप दस दिन बाद मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे तो यहाँ पे आप हाँ भी बोल सकते हैं ना भी बोल सकते हैं क्या अगले प्राइम मिनिस्टर सॉरी अगला प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के कौन हो सकते हैं मतलब कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है आप इसमें श्योरिटी नहीं सभी सेंटेंस में आप देखो कहीं ना कहीं श्योरिटी को नहीं बताया जा रहा है कहीं ना कहीं आपका आंसर कंफर्म नहीं है आप हाँ भी बोल रहे हैं ना भी बोल सकते हैं कोई भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का अगला कोई भी हो सकता है देर इज नो डाउट अबाउट इट तो ये एक चीज समझने की कोशिश करना जहां पे आपका सेंटेंस यानी कि आंसर में श्योरिटी नहीं झलकता है वहां पे आप जनरल तरीके से ही क्वेश्चंस करेंगे हाँ बिल्कुल सही है मैंने आपसे पूछा विल यू हेल्प मी इफ आई एस्क फॉर क्या आप मेरी सहायता करेंगे अगर मैं आपको सहायता के लिए पुकारूं तो आप हाँ भी बोल सकते हैं ना भी बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन यू आप इसका जिम्मेदार होंगे यश आई विल कर भी सकता हूं नो आई अब यहां पे देखो यस आई विल और नो आई वॉन्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे इसलिए आई विल हो रहा है कि अगर करोगे तो आप डेफिनेटली कह रहे हो कि हाँ मैं करूंगा ही लेकिन नहीं करोगे तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं करूंगा मीन्स दैट आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट यहां पे यश आई सेल भी लिख सकता था मैं लेकिन वहां पे कंफर्म नहीं हो पा रहा है श्योरिटी को नहीं शो कर रहा है यहाँ पे नो आई शेंट भी लिख सकता था मैं शैल नोट को शेंट बोलते हैं वो भी लिख सकता था मैं लेकिन वहां पे मैंने क्यों नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं उस चीज को लिखता तो श्योरिटी को नहीं बताता नेक्स्ट वन पास मी द बुक विल यू बुक पास करोगे प्लीज वो जो सामने टेबल पे पड़ा हुआ है उस बुक को पास करोगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप चाहो तो पास करोगे नहीं चाहोगे तो नहीं पास करोगे इट डिपेंड on तो आप शैल बोलते हैं तो मीन्स दैट उसे पास करना ही है ऐसे कुछ एक्सप्रेशन को शो करता है लेकिन ऐसा कहना गलत होगा लास्ट बट नॉट द लिस्ट शैल वी कॉल द क्लास क्या हम क्लास खत्म करें हाँ यहाँ पे ये कन्फर्म हो रहा है शैल वी कॉल द क्लास सेंटेंस के अकॉर्डिंग कन्फर्म नहीं है लेकिन अब हम क्लास को खत्म करने वाले हैं बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे चाहे तो और भी क्लास लेना चाहेंगे वो कहेंगे नहीं सर अभी थोड़ी देर और क्लास ले लें या फिर कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर प्लीज लेट्स कॉल द क्लास ये कह सकते हैं आंसर आपका यश वी शैल भी हो सकता है यश वी विल भी हो सकता है जैसा कि मैं इस वाले कंडीशन में बताया आपको नो वी सेंट और नो वी शैल नॉट सो गाइज इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करना चाहेंगे और आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट मैं कह लूँ कि प्लीज चीजों को पढ़ें हाँ पढ़ने से याद आया कि किताब चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रही थी कि मुझे पढ़ो ताकि आप में चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके ये कहीं पे लिखा हुआ मैंने देखा था सो so, इस टेंस के बारे में सॉरी इस क्लास के बारे में बस इतना सही और प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम इंग्लिश टॉक एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल का तो नाम आप सभी को पता ही है तब तक के लिए बाय फॉर नाउ एंड सेकंड थिंग इज दैट प्लीज लाइक द वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल शेयर इट आल्सो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिलो ओके